असलकम डर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक गड्स कल मैंने आपको बोला था स्टोमक रिलेटेड जो ये स्टोमक है इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं चार मेन पार्ट्स कॉडिय पार्ट फंडस पार्ट बॉडी एंड पाइलारस, पाइलारस। ये मैंने आपको बोला था ये भी मैंने बोला था आपको जो ये वॉल ऑफ द स्टोमक है इसके चार लेयर्स होते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर इस आउटर लेयर होता है सीरोसा इसके बाद मस्कुलरिस देन सब म्यूकोसा एंड इनर लेयर इज म्यूकोसा जो इनर लेयर म्यूकोसा होता है यह होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स इन फोल्ड्स को मैंने कहा था इनको कहते हैं रूगे कॉल्ड रूगे कॉल्ड रूगे यही जो म्यूकोसा लेयर होता है जिसमें एपिथीलियम प्रेजेंट होता है डेट एपिथीलियम वाज व्हाट दैट एपिथीलियम वाज कॉलमनर एपिथीलियम सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम कॉलमनर एपिथीलियम यही एपीथीलियम जो म्यूकोसा लेयर पे प्रेजेंट होते हैं ये दे फॉर्म फार्म ग्लैंड दे फॉर्म फार्म ग्लैंड दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दीज आर टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स टिब्यूलर स्ट्रकचर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो गैस्ट्रिक गलैंड हैं जो गैस्ट्रिक गलैंड होते हैं दिस आर टिब्यूलर स्ट्रक्चर जो बने हैं डिफरेंट काइंडस ऑफ सेल्स के देखो मैं दिखाऊंगा आपको गैस्ट्रिक गलैंड फॉर एग्जाम्पल ये देखो टिब्यूलर स्ट्रक्चर क्योंकि लवर पार्ट दिस इज टिब्यूलर स्ट्रक्चर ये बने हैं डिफरेंट काइंडस ऑफ सेल्स के कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इसमें कॉलमनर एपिथेलियम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स सिंपल कॉलम जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये बना है ये बना हुआ होता है डिफरेंट काइंडस ऑफ सेल्स डिफरेंट काइंडस ऑफ सेल्स जो ये पार्ट है सर टि गैस्ट्रिक गड टिब्यूलर स्ट्राइक जो ये पार्ट दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड ल्यूमन सर गैस्ट्रिक ग्लैंड ल्यूमन जो ये पार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल ये सेल सिक्रीट करेंगे ये किस में डालेंगे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड ल्यूमन में फिर ल्यूमन से इस ओपनिंग फिर इस ओपनिंग से ये बाहर आएंगे कि इसमें मैन ल्यूमन में स्टामक ल्यूमन में मैन ल्यूमन ऑफ द स्टामक दिस पॉइंट दिस ओपनिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट थ्रू गैस्ट्रिक पिट द गैस्ट्रिक जूस इंटर्स इन द मैन ल्यूमन ऑफ द स्टामक मैन ल्यूमन ऑफ द स्टोमक जो ये गलैंडस होते हैं कौन गैस्ट्रिक गलैंडस गैस्ट्रिक गलैंड जो होते हैं गैस्ट्रिक गलैंडस ओपन द इंटू दवटी थ्रू वट गैस्ट्रिक पिट थ्रो गैस्ट्रिक पिट से ओपन होता है केवटी ऑफ द स्टामक में जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं दीज आर क्लासफाइड इंटू थ्री टाइप्स दीज आर क्लासफाइड इंटू थ्री टाइप ऑन द बेस ऑफ देयर लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेस ऑफ दैट दे आर क्लासफाइड इंटू थ्री टाइप्स गैस्ट्रिक गलैंड आर क्लासफाइड गैस्ट्रिक गलैंड आर क्लासफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ बेसिस ऑफ लोकेशन इन स्टामक दिस कैन बी फंडी ग्लैंड फंडिंग ग्लैंड वट इज फंडिंग ग्लैंड फंडिंग ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो जो फंडस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं फंडस रीजन में प्रेजेंट होते हैं पाइलोरी ग्लैंड पायलोरी ग्लैंड एंड ग्लैंड एंड ग्लैंड कॉडियलैंड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ लोकेशन फंडी ग्लैंड ग्लैंड एंड ग्लैंड फंडी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो फंडस और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन फंडस पॉट फंडस एंड बाडी ऑफ द स्टामक प्रेजेंट होते हैं जो ये फंडी गलैंड जो ये फंडी ग्लैंड होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज ए टिपिकल ग्लैंड ये टिपिकल ग्लैंड कहलाते हैं टिपिकल क्यों टिपिकल ग्लैंड कहलाते हैं बिकॉज दे सिक्रीट लार्जेस्ट बिकॉज दे सिक्रीट लार्ज क्वान्टिट्टी ऑफ गेस्टिक जूस ये ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं कौन फंडी गलैंड दैट इस बाई आर कॉल्ड टिपिकल गलैंड दे सिक्रीट लार्ज क्वान्टिट्टी ऑफ गेस्टिक जूस ये जो गलैंडस होते हैं दीज आर जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे फंडिंग रीजन में दिस ग्लैंड्स आर लॉन्ग एंड टिब्यूलर दिज ग्लैंड्स आर लॉन्ग एंड टिब्यूलर इस ग्लैंड में क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स सेल्स ऑफ द फंडी ग्लैंड फंडी ग्लैंड क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं नंबर वन चीप सेल्स चीप सेल्स सेल्स को अदर वर्ड्स कहते हैं पेप्सिनोजिन सेल्स पेप्सिनोजिन सेल्स दूसरा पेराइटल सेल्स पेराइटल सेल्स और इनको अदर वर्ड्स कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स ऑक्जेंटिन सेल्स व मेन फंक्शन पेराइटल सेल दे सिक सी एल इन द स्टामक और तीसरे सेल हैं म्यूकस नेक सेल म्यूकस नेक सेल दे सिक्रीट करते हैं म्यूकस नंबर फोर इट इज ई सी सेल्स ई सी सेल्स एंटीर क्रोमोफिन सेल्स इनका काम होता है दे सिक्रीट सेरेटोनिन नंबर फिफ्थ सेल इज ई सी एल सेल ई सी एल सेल्स यार इंटीरो क्रोमोफिन लाइक सेल्स एंटीरो क्रोमोफिन लाइक सेट हारमोन कॉल्ड हस्टाम सिक्रीट हिस्सामीन हारमोन जो ये पेराइटल सेल्स होते हैं इन फंडी ग्लैंड में ज़्यादा ये हम पर रिप्रेजेंट होते हैं दीज आर डिफरेंट फ्राम दीज अदर सेल्स पेराइटल सेल जो होते हैं दीज आर डिफरेंट फ्राम अदर सेल्स कैसे डिफरेंट um, होते हैं बिकॉज इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगा एक गेस्ट्रिक ग्लैंड देखो फंडी ग्लैंड बनाऊंगा मैं ये बनाया मैंने एक ग्लैंड अच्छे से बनाऊंगा मैं देखो, देखो. यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक गैस्ट्रिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड इस ग्लैंड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं सेल्स कौन से एपिथीलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉलमनर एपिथीलस सेल्स ये ग्लैंड्स एक्चुअली एक क्या होते हैं ग्लैंड्स आर एक्चुअली एपिथीलस सेल्स सिक्रीट्री एपिथीलस सेल्स सेल्स दूसरी कसम सेल के बाद

सेल्स देखो डियर स्टूडेंट ये मैंने एक गस्ट्रिक गलैंड बनाया इसमें मैंने दिखाया आपको डिफरेंट सेल्स ये जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं हम सरफेस एपिथीलियम सरफेस एपिथीलियम सरफेस इपिथीलियम, ये जो सेल्स मैंने बनाए दिस इज कॉल्ड पेराइटल सेल पेराइटल सेल ये जो सेल्स मैंने बनाए दिस इज कॉल्ड म्यूकस नैक सेल म्यूकस नैक सेल्स, ये दिस इज व्हाट, इसको कहते हैं हम ल्यूमन ऑफ द गलैंड ल्यूमन ऑफ द गलैंड इसको क्या कहते हैं दिस कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट गैस्ट्रिक पिट यहाँ से होगी फिर मैन केविटी ऑफ द स्टामक दिस इज मैन केविटी ऑफ द स्टोमक यहाँ से सिक्रेशन हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस फिर पहुँचेगा गैस्ट्रिक पिट पे इसके बाद मैन केवटी ऑफ द स्टामक पे पहुंचेगा दिस इज ई सी सेल्स ई सी सेल्स ई सी सेल्स ऐसे -like cells. ECL cells. ECL. ये ई सी एल लाइक सेल्स ई सी एल सेल्स ए सी ये होते हैं डिफरेंट सेल्स ऑफ वट गैस्ट्रिक ग्लैंड से मैंने एक फंडी ग्लैंड बनाया लॉ इज़ अ लार्ज टिब्यूलर गलैंड लार्ज टिब्यूलर ग्लैंड इसमें एक देखो जब मैंने यहाँ पर पैराटल सेल दिखाई यहाँ पे ये डिफरेंट होते हैं इन सेल्स से क्यों इसमें एक करेक्टर के फीचर होता है ये कैनाल इसमें प्रेजेंट होते हैं इन केनाल को हम कहते हैं कैनाली कैनालिक्यूलाई द करेक्टर फीचर ऑफ पैराटल सेल इज़ वट कैनालिक्यूलाई कैनालिक्यूल आर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स कैनिक जब ये सिक्रीट करता है ऐसी तो पहले जाता है कैना में इसके बैच जाता है ल्यूमन में जो अदर सेल्स होते हैं ये डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं किस में ल्यूमन ऑफ द्यूमन ऑफ द गलैंड में और दूसरा गिलैंड है दैट इज पायलॉरिक गलैंड पायलॉरिक लैंड पाइलोरिक गलैंड जो होते हैं दीज आर शॉर्ट गलैंड दीज आर शॉर्ट एंड टिवस्ट गलैंड टॉर्ट टारी टचर जो ये पाइलोरिक गलैंड होते हैं ये पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं दीज आर फॉर्मड बाय फॉर्मड बाय जी सेल्स म्यूकस सेल्स ई सी सेल्स एंड ई सी एल सेल्स जो पायलॉरिक रीजन में जो गलैंड गैस्ट्रिक गलैंड प्रेजेंट होते हैं इसमें क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है। होते हैं जैसे मैं हमने दिखाया ये ये सेल्स फंडिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं मैंने दिखाया टिपिकल ग्लैंड ये भी ऐसे ही ग्लैंड हो बट दे आर शॉर्ट एंड ट्विस्टड होते हैं ज़्यादा पायलॉरिक रीजन में इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जी सेल्स म्यूकस सेल्स ई सी सेल्स एंड ई सी एल सेल्स जो इस जी सेल्स हैं ये गैस्ट्रिक हार्मोन से करता है गेस्ट्रिक हार्मोन सॉरी गैस्ट्रिन गेस्ट्रिन हार्मोन गेस्ट्रिन या इंडोक्राइन हार्मोन गेस्ट्रिन हार्मोन सिक्रट म्यूकस करता है ये म्यूकस सेल करता है म्यूसिन सिक्रेट, ई ई सी एल करता है सेरोटोनिन, ऑल्सो ए हार्मोन, सेरोटोनिन, एंड ई सी एल करता है हिस्टामिन हिस्टामिन अब लास्ट ग्लैंड की बात करेंगे दैट इज काडिया गलैंड ग्लैंड काडिया ग्लैंड काडिया गलैंड शॉर्ट शार्ट काडिया आर आलसो शॉर्ट एंड ट्विस्टेड शार्ट एंड टक्चर जो सेल्स प्रजेंट होते हैं कॉडे गलैंड में द्यूकस सेल्स ई सी सेल्स ई सी एल सेल्स एंड चीप सेल्स चीप सेल्स भी प्रजेंट होते चीप सेल्स भी प्रजेंट होते हैं ऐसे ये भी गलैंड होते हैं मगर दे आर शार्ट देर शॉर्ट एंड ट ई सी सेल्स देखो देखो स्टूडेंट्स ई सी सेल्स ई सी सेल्स ई सी एल सेल्स एंड जी सेल्स ये तीन सिक्रीट करते हैं हारमोनस ई ई सी एल सेल्स करते हैं सिक्रीट ई सी सेल्स करते हैं सिक्रीट सेरोटोनिन ई सी एल सेल्स करते हैं ई सी सेल्स करते हैं सिक्रीट सरोटोनिन ई सी एल सेल्स सिक्रीट करते हैं जिसका ई सी मीनज एंटीरो सेल्स ई सी एल मीनज एंटीरो लाइक सेल्स दे सिक्रीट हिस्टामिन, हिस्टामिन, एंड जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन, ये तीनों सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन, दीज थ्री सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंटीरोडोक्राइन सेल्स एंटीरो endocrine cells intero endocrine cells because they secrete endocrine hormones endocrine cells ec ec cells ecl cells and what g cells these are called endocrine cells they secrete hormones serotonin histamine and gastrin hormone gastrin hormone अब फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक गलैंड का क्या होता है वट इज द फंक्शन ऑफ गेस्ट्रिकैंड द फंक्शन ऑफ द गेस्ट्रिक गलैंड इज फंक्शन ऑफ गेस्ट्रिकलैंड गेस्ट्रिक गड द फंक्शन ऑफ द गेस्ट्रिक गलैंड इज टू सिक्रियट इज टू सिक्रीट गेस्ट्रिक जूस ये गेस्ट जूस सिक्रिएट करते हैं गेस्ट्रिक जूसट करते हैं इस गेस्टिक जूस का फंक्शन क्या होता है फंक्शन ऑफ गेस्ट्रिक जूस फंक्शन गेस्ट्रिक जूस हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक डाइजेस्टिव फंक्शन डाइजेस्टिव फंक्शन डाइजेस्टिव फंक्शन गेस्ट्रिक जूस जो होता है इसको डाइजेस्टिव फंक्शन होता है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फंक्शन डाइजेस्टिव फंक्शन गेस्ट्रिक जूस में जूस में जो एंजाइम होते हैं देखो मैं आई डर स्टूडेंट गेस्ट जूस मेनली एक्ट ऑन प्रोटीन गेस्टिक जूस मेनली एक्ट ऑन प्रोटीन दैट मीनस गेस्टिक जूस कंटेन प्रोटियोलिटिक एंजाइमस इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइमस प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होते हैं इसमें दैट इज दैट इज कौन कौन से पेप्सिन एंड रनिन एंड रेनिन ट होता है इन इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैप्सिन इज कॉल्ड पेप्सिनोजिन पैप्सिनोजिन पैप्सिनोजिन यही पैप्सिनोजिन पहले सिक्रीट होता है ये फिर कन्वर्ट होता है किसमें पैप्सिन में कौन करता है इसको इसमें कन्वर्ट दैट इज एस सी एल एस सी एल करता है पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन में पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एस सी एल पेप्सिन क्या काम करता है फिर पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू ये प्रोटीन पे काम करता है कन्वर्ट्स इनटू इंटो पेप्टोनस पेप्टोनस एंड पोलोपेप्टाइडस पोलियोपेप्ट पोलेपैप फिर ब्रेक डाउन होंगे किसमें एमाइनो एसिड्स में फिर एमाइनो एसडो होंगे इन इंटेस्टाइन में इन टू द ब्लड इन टू द ब्लड और क्या फंक्शन होते हैं डाइज जूस की दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन जो म्यूकस सिक्रिट होता है जो सिक्रिट होता है इन गैस्ट जो सिक्रिट होता है इन गेस्ट्रिक ल्यूमन में गैस्ट्रिक केविटी में स्टोमक केविटी में जो सिक्रिट जो सिक्रट करते हैं बाई म्यूकस नेक सेल्स जो में दे आर सरफेस सरफेस म्यूकस सेल्स इन फंडस बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टोमक इट प्रोटेक्टस जो गेस्ट्रिक जूस होता है इट प्रोटेक्टस द गेस्ट्रिक वॉल फ्रॉम एस सी एल फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टोमक हैं स्टोमक हैं दिज आर गेस्ट्रिक ग्लैंड्स ये सिक्री करते हैं म्यूकस ये सिक्री करते हैं म्यूकस भाई इस यहाँ पर एस भी प्रेजेंट होता है ये एस का पी होता है अराउंड वन टू वन पॉइंट टू मतलब हाईली एसिडिक हाईली एसिड इट कैन डैमेज द म्यूकस लेयर इट कैन डैमेज द दिस होल म्यूकस लेयर ऑफ द स्टोमक मगर जो ये स्टोमक में म्यूकस लेयर होता है जो मे, मे, स्टोमक में म्यूकस लेयर यही प्रोटेक्ट करता है किसको एच सी को एच डैमेज ना करे इसको बचाता है भाई ये ये एल को क्या करे इसको डिजॉल्व करता है बिकॉज 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 दिस म्यूकस इज अल्कलाइन इन नेचर इट हैज़ एसिड कम्बाइनिंग पावर इट हैज़ एसिड कम्बाइनिंग पावर ये प्रोटेक्ट करता है जिस म्यूकस लेयर इस गेस्टिक वॉल को बचाता है किससे से SCL से दिस अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड अदर फंक्शन इज हमेमे हेमे हीमोपाटिक फंक्शन है हेमोपायोटिक फंक्शन हेमोपायोटिक फंक्शन हीमोपायोटिक फंक्शन इट स्टामक मदद देता है किसमें इन आरबीसी फॉर्मेशन में इन आरबीसी में. में कैसे स्टामक में मैंने बोला इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं एक कस्म सेल है दैट इज पेराइटल सेल पेराइटल सेल पेराइटल सेल. सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं ए एंड इंटरेंजिक फैक्टर ऑफ कैसले इंटरेंजिक फैक्टर ऑफ कैसले ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसले हैं ये हेल्प करता है एबजॉर्बशन ऑफ वाइटामिन बी टूल में वाइटामिन बी टूल में इन इंस्टाइन यूजुअली इन इलियम में जो पैराटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक गड्स में ये सिक्री करते हैं सी एल एंड इंटरनसिक फैक्टर ऑफ कैसले इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार एब्ज़ॉर्बशन ऑफ वाइटामिन बी टूवेल एंड वाइटामिन बी ट्यूवेल इज नेसरी फॉर आर बी सी फार्मेशन आर बी सी फार्मेशन अगर इंट्रेंसिक फैक्टर एबसेंट होगा इन स्टामक में वाइटामिन बी ट्यूवेल तो फिर एबजॉर्ब मत होब्ज़ॉर्ब नहीं होगा दिस विल लीड टू दट एनिमिया एनिमिया Matlab RBC will not be formed. This will lead to it. what kind of anemia? That anemia is called pernicious anemia. Pernicious anemia. Pernicious. The anemia which is called which is caused by the deficiency of vitamin B twelve. That is called pernicious anemia. That is called pernicious anemia. Pernicious anemia. This was all about what gastric gland.